महाभारत का जिक्र होते ही पांडवों और कौरवों की लड़ाई के अलावा जिस चीज का जिक्र होता है वह है गुरु शिष्य भीष्म और भगवान परशुराम के बीच हुए भीषण युद्ध की। आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लेने वाले भीष्म पितामह एक दिन काशी में हो रहे स्वयंवर में जा पहुंचे, जहां काशी के महाराज ने अपनी तीन पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका की शादी के लिए स्वयंवर रचाया था। यहां पहुंचते ही भीष्म पितामह ने काशी के राजा के सैनिकों को पराजित कर तीनों कन्याओं को उठा लिया। हालांकि भीष्म पितामह खुद शादी नहीं करना चाहते थे, बल्कि उन्होंने अपने भाई विचित्रवीर के लिए ऐसा किया था। रास्ते में जब भीष्म पितामह इन्हें लेकर जा रहे थे तो अंबा ने कहा कि वो मन ही मन साल्वराज को अपना पति मान चुकी है, जिसके बाद भीष्म ने उसे छोड़ दिया। जब वह साल्व के पास पहुंची तो साल्व ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। तब उसने परशुराम के पास पहुंचकर सारी बातें बताई, जिसके बाद गुरु और शिष्य के बीच लंबा युद्ध चला। आखिरकार दोनों महान योद्धा थे, युद्ध का अंत ही नहीं हो रहा था। जिसके बाद देवी देवताओं की आज्ञा से परशुराम जी ने हथियार रख दिया। दोनों के बीच युद्ध खत्म हुआ, लेकिन अंबा इस बात से इतनी क्रोधित हुई कि उसने भीष्म को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। अगले जन्म में अंबा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया, जिसके सहारे महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भीष्म पितामह का वध किया। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।